पानीपुरी गांव में चंचल नाम का एक मछुआरा रहता था। चंचल एक लापरवाह और आलसी मछुआरा था। वो हमेशा जरूरत से ज्यादा मछली पकड़कर आधी बेचने के बाद हाथ में कुछ पैसे नजर आते ही बाकी की मछलियां वहीं फेंक कर आता था। मंगू भाई कहते हैं तुम सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ते हो, फिर भी रोज सिर्फ 200 रुपए पकड़कर क्यों आते हो? मुझे मछलियाँ पकड़ने में मजा आता है, बेचने में नहीं। एक दिन इस घटिया आदत की वजह से तुम पछताओगे। चंचल अपनी पत्नी की बातों से गुस्सा होकर फिर से समुंदर में चला जाता है और अपना गुस्सा निकलने के लिए मछलियों को पकड़कर बेकार में फेंकता रहता है। समंदर की देवी चंचल की हरकतों से गुस्सा होकर उस समंदर के बाहर निकल फेंकती है और एक श्राप भी देती है। तुम हमेशा मेरे बच्चों को परेशान करते हो, इसीलिए तुम्हें सबक सिखाना अब जरूरी हो गया है। तुमने आखिरी बार जिस मछली को खाया था तुम्हारा आधा शरीर उसकी तरह बन जाएगा। ये कहकर वो समंदर की देवी वहाँ से चली जाती है। जब समंदर की देवी चंचल को समंदर से बाहर निकलकर फेंक रही थी तब चंचल के मुंह में शार्क मछली का एक छोटा सा बच्चा चला जाता है। चंचल अब तक उसके साथ जो भी हुआ उसे मजाक समझकर वापस घर चला जाता है। घर पहुंचने के कुछ देर बाद चंचल को बार बार पानी की प्यास लगती। आलसी चंचल को बार बार उठकर पानी पीने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए वो सीधे जाकर पानी के एक टब में ही बैठ जाता और उसे उसी में नींद भी आ जाती है। चंचल की पत्नी उसकी हरकतों से परेशान होकर कुछ देर बाहर घूमने के लिए जाती है। चंचल की पत्नी जब घर वापस आकर जब उसे देखती है तो उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता। चंचल के सर एक शार्क के सर में बदल गया था। चंचल पत्नी डर जाती है और उसे भूत भूत कहकर झाड़ू चप्पल फेंक कर मारती है। अरे रे रे, बस करो, अब मैंने क्या किया? ये तुम हो? अपना घटिया मजाक बंद करके वो मास्क उतार दो। मास्क? कैसा मास्क? चंचल अपने चेहरे को छूते हुए आईने के सामने जाकर खुद को देखकर इतना डर जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उठकर चंचल अपनी पत्नी को समंदर के पास जो भी हुआ वो सारी बात बताता है। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। इतने में चंचल के ससुर आते हैं।
पिताजी, आप? चंचल की पत्नी उसके पिता को सारे बात बता देती है। चंचल का ससुर जी एक सर्कस चलाते हैं। बेटी, तुम जाकर उस समुंदर की देवी से बात करने की कोशिश करो। तब तक मैं इस नमूने को अपने पास में ही रख लेता हूँ। चंचल उसके ससुर के साथ सर्कस चला जाता और उसकी पत्नी समंदर के पास जाती है। चंचल की पत्नी काफी दिनों तक समंदर के चक्कर लगाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई समंदर की देवी नहीं मिलती। यहाँ पर सर्कस में चंचल को देखने के लिए लोग लाइन में घंटों तक खड़े रह रहे थे। एक दिन सर्कस में एक बहुत ही अमीर और बहुत बड़ा एनिमल लवर आता है, जिसका नाम था बेयर ग्रिल्स। मैं दुनिया के बड़े बड़े जानवर और छोटे से छोटे कीड़े और समंदर की हर मछली को खा चुका हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। आपका कहने का मतलब क्या है? मुझे ये शार्क दे दो, मैं तुम्हें मुंह मांगे कीमत दूंगा। ये बेचने के लिए नहीं है। ऐसा तो मैं क्या कर ही रहूंगा। चंचल का ससुर समझ जाता है कि उसे सर्कस में रखना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वो रात के वक्त उसे घर लेकर जाता है और रास्ते में बैर के बारे में बताता है। चंचल अपने ससुर की बात सुनकर डर जाता है और जल्दी जल्दी चलने लगता है। कितना भी जल्दी जल्दी चल लो, बेयर ग्रिल्स उसे रास्ते से उठा ही लेता है। बेयर उसे अपने घर ले जाकर पकाने की तैयारी करता है। मैं भी एक इंसान ही हूँ, मुझे छोड़ दो मेरे भाई। यहाँ पर चंचल का ससुर उसके घर पहुंचकर सारी बात बताता है। चंचल की पत्नी और ससुर दोनों मिलकर समंदर के पास जाते हैं। समंदर की देवी, मेरा पति बेवकूफ है, गधा है, मूर्ख है। ये क्या बोल रही हो बेटा? क्या करूं पिताजी, उसके बारे में कुछ अच्छा निकल ही नहीं रहा है। यहाँ पर चंचल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अपनी गलती की माफी मांगता हुआ रोता है। बेयर वैसे ही उसे मारने के लिए चाकू उठाता है। चंचल पहले जैसे नॉर्मल हो जाता है। ये क्या हो गया, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ये कहकर बेयर उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। चंचल चुपचाप अपने घर जाता। उसे अपने असली रूप में देखकर उसकी पत्नी खुश हो जाती है। उस दिन के बाद चंचल फिर कभी समंदर के पास नहीं गया। चंचल अपने ससुर के साथ मन लगाकर काम करने लगता था और अच्छे खासे पैसे कमा रहा था।